लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ने से तटवर्ती ग्रामों में त्राहिमाम मचा हुआ है और गंगा के समीप बसे गांवों के लोग पिछले एक माह से सैलाब के बीच नरकीय जीवन जी रहे हैं। शासन प्रशासन रात दिन बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगा है, वहीं कुछ अधिकारी मौके पर चौका मारते हुए बाढ़ का फायदा उठा रहे हैं और सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। गंगा में आई बाढ़ के कारण शमशाबाद कटरी क्षेत्र के लगभग आधा सैकड़ा से अधिक गांवों में पानी भरा है और इसमें संचालित सरकारी स्कूल बंद है, परंतु पानी भरे गांवों में कुछ स्कूल विभाग के कुछ अधिकारियों की मेहरबानी से कागजों में चल रहे हैं जिन पर लाखों रुपए का खर्चा रोज हो रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फर्रुखाबाद में चाहे किसी भी प्रकार की आपदा हो परंतु अवसरवादी इस आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, इसी का एक उदाहरण सामने आया है। जहाँ एक ओर सैलाब के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है और सैलाब का पानी ने शमशाबाद कटरी क्षेत्र के आधा सैकड़ा से अधिक गांवों में तहलका मचा रखा है, जहां लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की छत्रछाया में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के कुछ स्कूलों में छात्र छात्राएं सरकार द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों में शान से पंखे कूलर की हवा में सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील का आनंद लेते हुए खीर पूरी खा रहे हैं, जिस पर प्रतिदिन लाखों रुपए खर्च होते हैं। और ये यूपी 76 न्यूज नहीं कहता, ये एक प्रचलित समाचार पत्र में छपी खबर बता रही है। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के विकास के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। सरकार द्वारा विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस, यहाँ तक कि खाने पीने तक की सभी व्यवस्थाएँ सरकार मुहैया कराती है, जिस पर सरकार के लाखों रुपए खर्च होते हैं, परंतु कुछ अवसरवादी आपदा में भी अवसर खोज लेते हैं। इसी प्रकार का एक मामला सामने आया है। ब्लॉक शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम रामपुरा में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का जो बाढ़ की चपेट में आने के बंद पड़ा है, परंतु कुछ अधिकारियों की छत्रछाया में विद्यालय संचालित था, जिस पर प्रतिदिन खर्च होने वाले रुपयों का बंदरबाड़ चल रहा था। जानकारी होने पर कुछ ग्रामीणों ने विद्यालय का वीडियो बनाकर खंड शिक्षा अधिकारी से विद्यालय के संबंध में शिकायत की। मामले की गंभीरता को समझते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर जांच करवाई, तब विद्यालय बाढ़ग्रस्त पाया गया और खंड शिक्षा अधिकारी ने इंचार्ज प्रधानाध्यापक व सहायक प्रधानाध्यापक का एक दिन का वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। इसके साथ ही मिड डे मील की जांच करवाए जाने के निर्देश दिए। खबर के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय रामपुरा के अध्यापकों ने विद्यालय में बाढ़ के पानी भरे जाने की सूचना दी थी, जिस पर रामपुरा विद्यालय को भी अन्य बाढ़ग्रस्त विद्यालयों में संबद्ध कर दिया गया था, परंतु अध्यापकों ने इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी थी। ग्रामीणों की शिकायत पर जाँच करवाई, तब प्राथमिक विद्यालय रामपुरा बंद पाया गया और विद्यालय में बाढ़ का पानी भरा हुआ था। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया पर, और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।